उत्तराखंड में विधानसभा सचिवालय में हुए भर्ती घोटाले और भाई भतीजेवाद अपनाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रोक अपनाते हुए सभी भारतीयों को निरस्त करने के आदेश देकर सख्त प्रशासन का रुख दिखाया है। वहीं अब अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद धामी सरकार ने घोटालों और रिसॉर्ट पर सख्त एक्शन के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के तहत बने होटल और रिसॉर्ट का सत्यापन शुरू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध रूप से बने या निर्धारित मानकों को ताक पर रखकर बनाए होटल और रिसॉर्ट पर उनके खिलाफ निम्न अनुसार कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार के सख्त रवैये और तेजी से एक्शन लेने की ओर बढ़ रही है। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में भाजपा से जुड़े कई नेताओं के परिवारों के लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सभी भर्तियों को निरस्त करने का आदेश दे दिया था। विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 2016 से 2022 तक की कुल 228 तदर्थ नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को दिया था, जिसकी जानकारी रितु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। समिति ने सराहनीय कार्य किया है और निर्धारित अवधि के पूर्व ही रिपोर्ट सौंप दी है। पूरी रिपोर्ट 2014 पेज की है, लेकिन इसमें संलग्न भी शामिल है, जबकि केवल रिपोर्ट की अंश जो है वो 29 पेज के। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गई उनमें अनियमितताएं थी तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। वहीं अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला तेजी से सामने आने पर धामी सरकार ने एक बार फिर सरकार के सख्त रवैये को अपनाते हुए इस मामले में सख्त कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के तहत दून में 1250, देहरादून शहर और आसपास 350 के लगभग बने होटलों और रिसॉर्ट को नदी किनारे मानकों के अनुसार नहीं बनाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेंगे। एमडीडीए प्रबंधन ने 26 सेक्टर में तैनात समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है, वे अपनी जाँच की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नदी किनारे बने कई रिसॉर्ट्स हैं, जिसमें मसूरी डांग पत्थर से लेकर देहरादून के बीच ऋषिकेश मार्ग देवता क्षेत्र समेत कई इलाकों में कई रिसॉर्ट ऐसे हैं जो एमडीडीए की बिना अनुमति के बने हैं, जिसमें पर्यटक आकर रुकते हैं और खास तौर पर ऋषिकेश में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण है। यही हाल कुठार गेट से लेकर मसूरी चक्राता क्षेत्र का भी है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम सब दुखी हैं। हमारी बहन, हमारी बेटा की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, मन बहुत विदीर्ण है और जो किया गया वो दरिंदों का काम है, उसमें SIT गठित हो गई है। कोई भी उस चेन में जितने भी लोग होंगे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा,
मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। एमडीडीए में उपाध्यक्ष का पद संभालने के बाद जिलाधिकारी सोनिका ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन अब इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा जिसमें रिसोर्ट और होटल का सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है। इस मसले पर वन मंत्री सुबोध उनियाले भी राजाजी निदेशक को वनंतरा रिसोर्ट की जांच के साथ वन अधिनियम की कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। कुल मिलाकर सरकार के एक्शन में आने का कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड है, जिसमें बताया गया है कि रिसोर्ट में वह नौकरी करती थी और टेलीफोन कॉल्स और चैटिंग भी करती थी, जिसकी डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स जांच के बाद सामने आएगी। क्रिमिनल मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार मामला काफी मजबूत है। धारा 27 के तहत आरोपियों की निशानदेही पर बॉडी रिकवर हो गई है, ये एक बड़ा सबूत है। रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुलिस पूरे रिसोर्ट की छानबीन पहले ही कर चुकी है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के नतीजों में अंकिता सिंह के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और पानी में डूबने से मौत हुई है। संभवतः अंकिता के साथ मारपीट हुई थी और फिर पानी में धकेल दिया गया था। इस मामले की छानबीन के लिए SIT गठित की जा चुकी है और पी रेणुका, जिनकी छवि एक कुशल अधिकारी की है, जिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की खास रिपोर्ट।